उद्योगपति रमेश बाहेती को फोन कर धमकी देने वाला आरोपी क्राइम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में, मुंबई से किया गया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के लेन देन के सेटलमेंट के लिए उद्योगपति को धमका रहा था आरोपी। मुंबई के गुंडे प्रथमेश परब के नाम पर लोगों को डराने के लिए दुरुपयोग करता था। पूर्व में भी कई बिल्डरों को फोन पर धमका कर मोटी रकम वसूल चुका है। आरोपी पर हत्या का प्रयास तथा चाकूबाजी जैसे कई गंभीर अपराध हैं। मुंबई शहर में पंजीबद्ध आरोपी बनना चाहता था मुंबई का डॉन। वसूली का पैसा बार, डांस तथा क्लबों में गर्लफ्रेंडों व दोस्तों पर उड़ाता था आरोपी। ट्रू कॉलर पर आरोपी का मोबाइल नंबर भी प्रथमेश परब के नाम से ही दिखता था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय वरुण कपूर इंदौर जोन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि अज्ञात व्यक्ति लोगों को धमका रहा है। इसकी अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्र द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम को शहर में लोगों तथा व्यापारियों से अवैध वसूली व गुंडा टैक्स की मांग करने के लिए डराने धमकाने वाले आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम का गठन कर थाना कनाड़िया क्षेत्र में उद्योगपति बाहेती को फोन पर धमकी देकर वसूली मांगने वाले आरोपी की धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिए गए थे। घटना का विवरण इस प्रकार है कि थाना कनाड़िया में कुछ दिन पूर्व उद्योगपति रमेश बाहेती निवासी काउंटी वॉक टाउनशिप झलारिया इंदौर द्वारा शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी कि दो अलग अलग मोबाइल नंबरों से एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें फोन कर रोज धमकाता है तथा पैसों की मांग कर रहा है। उपरोक्त घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में थाना कनाड़िया में अपराध क्रमांक 323/19, धारा 386, 419, 506, 507 भारतीय दंड विधान का प्रकरण कायम किया गया था। उपरोक्त प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतारसी क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा की जा रही थी, जिसके तारतम्य में सर्वप्रथम जिस मोबाइल नंबर से फरियादी को धमकी भरे फोन आ रहे थे उसके संबंध में तस्कीद की गई तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मोबाइल नंबर सूरज दुबे पिता समरसेन दुबे निवासी मिरकुट की चाल कल्याण वेस्ट मुंबई के नाम पर पंजीकृत है। मोबाइल नंबर के धारक के बारे में जानकारी ज्ञात होने पर थाना कनाड़िया एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर उसे पतारसी हेतु मुंबई रवाना किया गया। टीम द्वारा मुंबई के कल्याण क्षेत्र में उक्त सिम धारक को तलाश कर अभिरक्षा में लिया गया, जिसका मोबाइल फोन चेक करने पर उसके फोन में फरियादी का मोबाइल नंबर मिला तथा फरियादी को आरोपी द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज भी मिले। आरोपी के मोबाइल को जब्त कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना पूरा नाम सूरज दुबे समरसेन दुबे, उम्र 21 साल, निवासी गली नंबर 4 मकान नंबर 3 स्वानंद कॉलोनी कनकावती बिल्डिंग के पास रामबाग कल्याण वेस्ट मुंबई होना बताया। आरोपी सूरज दुबे को थाना कनाड़िया के अपराध क्रमांक 323/19, धारा 386, 419, 506, 507 भारतीय दंड विधान के प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया जाकर पुलिस टीम इंदौर लेकर आई। आरोपी सूरज दुबे ने पूछताछ पर बताया कि वो कक्षा 12वीं तक पढ़ा है तथा आवारागर्दी करता है। आरोपी के पिता प्राइवेट कार्य करते हैं तथा मां गृहिणी है। आरोपी को मुंबई के बार, डांस क्लब आदि अय्याश जगहों पर जाकर शराब पीने तथा गर्लफ्रेंडों संग नाचने का शौक है, इसलिए पैसों की आवश्यकता के चलते वो बड़े बड़े व्यापारियों को डरा धमका कर अवैध वसूली गुंडा टैक्स के रूप में प्राप्त करता है। आरोपी कई लोगों के लेन देन के परस्पर विवाद का सेटलमेंट कराकर भी दलाली से रुपये कमाता है। आरोपी ने सबसे पहले थाना महात्मा गांधी फूले थाना क्षेत्र में कॉलेज विद्यार्थी आर्यन तड़वी के सिर पर पैसा न देने पर बियर की बोतल मारकर फोड़ी थी, जिस पर से उसके ऊपर धारा 324 भारतीय दंड विधान का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद थाना महात्मा गांधी फूले क्षेत्र में ही कॉरपोरेट प्रमोद भोईर ने पैसा न लौटाने के साथ सेटलमेंट की बात करने पर और न मानने पर आरोपी ने पेट तथा पीठ पर चाकू मारा था, जिस पर धारा 307 भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके बाद उसने MFC थाना क्षेत्र में डोंबिवली में रहने वाले किरण पाटिल को भी पैसे के विवाद में चाकू मारा था। इस प्रकरण में आरोपी पर धारा 326 भारतीय दंड विधान का केस पंजीबद्ध हुआ था। इसके अलावा आरोपी पर चेक बाउंस के कई प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि उसने प्रथमेश परब के नाम का उपयोग कर मुंबई पुणे के कई व्यापारियों को डरा धमका कर लेन देन का सेटलमेंट कराया है। इस प्रकार से उसने लाखों रुपए कमाए हैं। आरोपी सूरज दुबे को प्रथमेश परब समझकर उससे व्यवहार बनाने के लिए मुंबई वासी बड़े बड़े व्यापारियों ने उसे लाखों रुपए दिए हैं। आरोपी ने बताया कि उसका संपर्क चिराग जोशी नामक बिल्डर से हुआ था। चिराग जोशी ने आरोपी से कहा कि इंदौर की कंपनी STL के मालिक से
करोड़ों रुपए लेना है। रुपए दिलाने के एवज में उसे भी मोटी रकम मिलेगी। रुपयों के लालच में आरोपी सूरज दुबे ने एससीएल कंपनी के मालिक प्रशांत अग्रवाल को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो कंपनी उन्होंने वर्ष 2010 में खरीदी है तथा जिस पेमेंट के लेन देन की बात कर रहा है वो वर्ष 2007-08 का है। तत्समय कंपनी का मालिकाना हक उद्योगपति रमेश बाहेती का था, इसलिए उसके लेन देन की राशि का भुगतान वही करेंगे। आरोपी ने रमेश बाहेती का नंबर ज्ञात कर उन्हें फोन करना शुरू कर दिया। उसने रमेश बाहेती को भी फोन लगाकर स्वयं को प्रथमेश परब बताया तथा पेमेंट सेटल करने की बात कही। डॉक्टर बाहेती ने जब फोन काट दिया तो उसने व्हाट्सएप मैसेज में तथा वॉइस मैसेज भेजकर धमकाया कि अगर पेमेंट सेटल नहीं करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो प्रथमेश परब के नाम का इस्तेमाल इसलिए करता था ताकि लोग डर के कारण उसे पैसा दे दें, क्योंकि प्रथमेश मुंबई का नामी गिरामी गुंडा है। आरोपी ने बताया कि वो इस प्रकार लोगों को डरा धमका कर अब तक लाखों रुपए कमा चुका है। उपरोक्त आरोपी को पकड़ने में क्राइम ब्रांच एवं थाना कनाड़िया की संयुक्त टीम को सफलता हासिल हुई है। आरोपी द्वारा स्वयं की पहचान छुपाकर अन्य व्यक्ति प्रथमेश परब के नाम का उपयोग करने पर मामले में धारा 419 भारतीय दंड विधान तथा वसूली करने के लिए डराने के कारण मामले में धारा 386 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया है। आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में जानकारी ली जाएगी तथा उनके विरुद्ध तथ्य सामने आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।